अरे वो सरदार ले गया होगा यार। अरे पागल है क्या तू? सरदारों के बारे में कभी ऐसी बात मत करना, उनकी जो पगड़ी होती है ना उनको कभी गलत नहीं करने देती। होली खेले रघु बिराया वध में। भैया अंगूर कैसे दिए? जी साहब अंगूर कैसे दिए? अंगूर 100 रुपया किलो। और ये अमरूद? अमरूद 50 रुपया किलो। मीठे तो होंगे ना? हाँ सब बढ़िया मीठा एकदम। ऐसा करो एक एक किलो पैक कर दो तुम। जी सर। और ये मौसमी भी 1 किलो पैक कर दो। ठीक है सर। हेलो। अरे हाँ यार आ गया, बस वो थोड़ा सामान लेने आया था। एक सेकंड होल्ड करना। कितने हो गए? सर 250 रुपये। हाँ हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं। अरे मुझे पता है हम लेट हैं पर हम टाइम से पहुँच जाएंगे। तुम यार आ तो रहा था ना, बार बार कॉल करने की क्या जरूरत थी? अरे पाजी वी गेटिंग लेट मैन, क्या करते हो? अच्छा चलो ठीक है, चलो चलो चलो। अब क्या हुआ यार? मुझे लगता है उसने ना मुझे पैसे ज्यादा वापस कर दिए। अरे ये लोग पूरे दिन लूटते हैं पाजी, फर्क नहीं पड़ता। कम ऑन सिट, वी गेटिंग लेट, क्विक। चले ऑब्वियसली लेट हो रहे हैं। हक पराया नान का उस सुअर उस गाय गुर पीर हो मा। क्या हुआ? कुछ नहीं। हक पराया नान का उस सुअर उस गाय। बेटा जी इस शब्द विच गुरु नानक साहब महाराज समझा रहे ने कि कदी किसे दा हक मार के नहीं खाना। एक सिख वास्ते किसे दा हक मार के खाना इन्ना वड्डा पाप है जिवें हिंदू वास्ते गां दा मांस खाना ते मुसलमान वास्ते सूर दा मांस खाना। हां कदी किसे दा ना हक मार के नहीं खाना बेटे सारी उम्र। हाँ भाई रमेश कितना धंधा हुआ आज? अरे वही हिसाब लगा रहे हैं यार, कुछ पैसा कम लग रहा है। अरे वो सरदार ले गया होगा यार। अरे पागल है क्या तू? सरदारों के बारे में कभी ऐसी बात मत करना, वो लोग कभी किसी का हक नहीं मारते। उनकी जो पगड़ी होती है ना उनको कभी गलत नहीं करने देती। और एक बात बता, जो लोग हर दिन हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं तो भला किसी का हक मारेंगे? जाता है ना तो गुरुद्वारे में लंगर खाने। जा आज भी लगा है, खुद भी खा ले और मेरे लिए भी एक खाली ले आइए। गलती मुझसे ही हुई है, शायद गिनने में गलती हो गई। साहब क्या हुआ, कुछ भूल गए थे क्या? नहीं मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन तुम भूल गए थे। ये तुम्हारे हैं, तुमने मुझे ज्यादा वापस कर दिए थे। रखो इसे और हाँ थोड़ा ध्यान रखा करो। कदी किसे दा ना हक मार के नहीं खाना बेटे सारी उम्र। वो लोग कभी किसी का हक नहीं मारते। उनकी जो पगड़ी होती है ना उनको कभी गलत नहीं करने देती। उस रेड़ी वाले दी गल सुन के मैनू एहसास होया कि हे सच्चे पातशाह तेरी बाणी नू पढ़दे सुनदे तां असीं सारे हाँ पर उहदे ते अमल करना भुल जांदे हां। अज जे उहदे पैसे मैं ना मोड़दा ते शायद सिखी अते सरदारां तों उहदा विश्वास उठ जाणा सी। हे सच्चे पातशाह जिवें तूं मैनू डिगण तों बचा लिया उसी तरह मेहर करी तेरा हर एक सिख तेरी दित्ती हुई सिक्ख्या नू ना भुल्ले।